आज शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन है। आज माँ दुर्गा के महागौरी अवतार की पूजा की जा रही है। पौराणिक कथा के अनुसार महागौरी को सफेद रंग पसंद है। महागौरी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त महागौरी की पूजा करते हैं कहते हैं उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। 9 दिन की साधना का आज आठवां दिन बेहद खास, क्योंकि अष्टमी का महत्व नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि कन्या पूजन भी कई लोग इस दिन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। लेकिन माँ महागौरी जिनका स्वरूप बेहद सरल, शांत और श्वेत है, जिनकी स्तुति मात्र से पाप और कष्टों से मुक्ति साधक को मिल पाती है, ऐसे में शारदीय नवरात्र की धूम में पूरे देश भर में जगह जगह दुर्गा पांडाल सजे हुए हैं। गरबे और डांडिया की धूम मची हुई है। लोग लगातार उपवास कर रहे हैं। कन्या झीमन किया जा रहा है। आज का दिन बेहद खास, आज नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, और बिल्कुल किसी त्योहार की तरह ये दिन गुजर रहे हैं। हर दिन लोगों के लिए एक उत्सव की तरह। तो चलिए अब आपको तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण, तो जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर, ज्यादा कहने की तो बात नहीं है, क्योंकि आठवां दिन माता महागौरी के लिए समर्पित है। नवरात्र के इस पूरे 9 दिन में सबसे ज्यादा खास बात उन कन्याओं के लिए जिन्हें आज झिमाया जाता है, घर घर कन्या पूजन होता है, कल भी होता है, लेकिन आज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कोटा वासियों ने किस तरह की तैयारियां की है, कहां आप मौजूद हैं और माता का आज किस तरह का रूप आपको नजर आया? बिल्कुल, देखिए कन्या को माता जी का ही रूप माना जाता है, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि 6-7 दिनों तक नवरात्रा के पवित्र दिनों में आपने माँ भगवती की जो आराधना की है, भक्ति की है, व्रत और उपवास रखे हैं, खास पूजन मनन किया है, एक तरह से उसकी पूर्णाहुति का आज दिन होता है। और जिस तरह से छोटी अबोध कन्याएं आज घरों पे आकर के या मंदिरों में भोजन कराई जाती है भक्तों की तरफ से, तो ऐसा माना जाता है कि माँ ही एक तरह से उस भोजन को ग्रहण कर रही है। लेकिन इस बीच में आपको कोटा के मंदिरों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिलहाल कोटा के शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि भक्तगण यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप स्वरूप के दर्शन कीजिए। ये माँ भगवती का दुर्गा स्वरूप है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज खास श्रृंगार हुआ है, और आप देखिए श्रीफल और विशेष चुनरी ओढ़ा करके पुष्पों से, फलों से, फूलों से लगातार माँ को भोग लगाया गया है। इनके बगल में आप देखेंगे तो ये माँ का सरस्वती स्वरूप है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि श्रीपल के ढेर के आगे माँ विराज रहे हैं। और जो तीसरा स्वरूप है वो माँ का शीतला स्वरूप है, जो कि गर्दभ सवार होता है माँ का स्वरूप। और ये जो मंदिर है ये मूल रूप से शीतला माता का मंदिर है, और ये वो मूल तस्वीर है जिसे बहुत चमत्कारिक तस्वीर माना जाता है। ये माँ जो कि ठंडा रखती है और सभी तरह की बुराइयों से और बीमारियों से अपने भक्तों को बचाती है। आप देख रहे हैं कि मेहंदी लगा करके, चूड़ा लगा करके यहाँ माँ का श्रृंगार किया गया है। और देखिए ये तस्वीरें घट स्थापना की है, जो कि नवरात्रा की प्रतिपदा के दिन यहाँ पर किया गया था। और ये अखंड ज्योत है जो कि लगातार 9 दिनों तक यहाँ पर जलती रहेगी। और साथ में आपको साथी कैमरामैन आकाश दीप पवित्र ज्वारे दिखाएंगे, जो कि पहले दिन जिनको बोया गया था, और अब आप देखिए ये किस तरह से लहला करके बड़े हो गए हैं। ये समृद्धि का प्रतीक होते हैं, और इनका अब चंबल नदी के अंदर विसर्जन होगा। चलिए कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ किस तरह से नवरात्रि मना रहे हैं। लगातार आठवां दिन है आपका नवरात्रि में, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज कितना मन में उत्साह है अष्टमी को लेकर के, क्या क्या कर रहे हैं? आज हम बहुत उत्सव है, बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें। आपने व्रत उपवास रखा है आज? ना, हमने आज व्रत रखा है अष्टमी का, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो देखिए व्रत उपवास रखा है, अच्छा लगा है, भक्त कह रहे हैं। पंडित जी, इस बार की जो शारदीय नवरात्रा है, किस तरह की तिथि और नक्षत्रों में ये आई है, और आज एक तरह से माँ की भक्ति का जो आठवां दिन है, ये एक तरह से पूर्णाहुति के करीब पहुँचने का दिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल सर, ये पूर्णाहुति के, कल इनकी पूर्णाहुति, नवमी को इनकी पूर्णाहुति हो जाएगी। आज महागौरी का आठवां दिन है, जो महागौरी का दिन माना जाता है, तो माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, और कंचकों की पूजा भी की जाती है आज के दिन। सभी लोग जैसे हलवा, पूड़ी, और ये जो अपने चावल है, हलवा है, पूड़ी है, चने हैं, इनका भोग माता को लगा रहे हैं, और बड़ी श्रद्धा में यहाँ बहुत भक्तजन आए हुए हैं।
बहुत भक्त आए हुए हैं, देखिए प्रसाद भी लाए हैं, माता को भेंट भी चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भवर और भक्तों की श्रद्धा इस बार बहुत अच्छे सर्दी और रात्रि है। एक बार जोधपुर का भी रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी राजीव भी लगातार लाइव बने हुए हैं। राजीव, सुबह में भी तस्वीरों के दर्शन आपने कराए, माता की अद्भुत झांकी और श्रृंगार आज था, इस समय कहां मौजूद है और अब बढ़ते समय के साथ तो कन्या पूजन और साथ ही जो पूरा विधान है अष्टमी पूजन का, शुभ अष्टमी का, वो नजर आने लगा होगा जोधपुर में, क्या जानकारी? देखिए, शक्ति और भक्ति की जो प्रतीक है, माँ दुर्गा कहें, माँ चामुंडा कहें, कोई भी चाहे शैलपुत्री कहें, लेकिन आज की बात करें नव दुर्गा की जो महापूजा होती है, आप देखिए कि इस वक्त हम पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहाँ पर सहयोगी भवानी सिंह आपको इस वक्त माता के दर्शन करवा रहे हैं। और अष्टमी के चलते घर घर में हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कन्याओं का पूजन हो रहा है और जोधपुर के तमाम जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पर विशेष आयोजन भी हो रहे हैं। इस वक्त पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, आज के दिन का अष्टमी का महत्व क्या है? आज के दिन अष्टमी का महत्व यह है कि आज के दिन माँ दुर्गा, कोई अलग सवाल नहीं। तो देखिए, कह रहे कि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जो की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बाहर यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, सहयोगी भवानी सिंह आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस हवन और यज्ञ का महत्व क्या है। पंडित जी से ये भी जाने को, देखिए कि ये तमाम जो यहाँ जो पंडित जी के साथ में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, आमजन हैं, वो बैठे हुए हैं, पंडित निमिचंद जी से ये भी बात कर लेते हैं कि आज अष्टमी के दिन यज्ञ हवन का क्या महत्व होता है? माँ भगवती की पूजा अर्चना में जो ये नवरात्रे हैं, इसमें जो वर्तमान समय का जो वातावरण है उसको नियंत्रित करने में आप स्वयं महसूस करेंगे कि दुर्गा के इस महापर्व में जितना नवरात्रि जो ध्यान मनोयोग पूर्वक यदि करें तो ये हमारा संस्कार है ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को बहुत आगे ले जाएगा। और संस्कृति की और परंपराओं की बात की है, मंत्रों की शक्ति तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन देखिए कि तमाम जो लोग हैं सर ढककर के बैठना जरूरी होता है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ यज्ञ और हवन चल रहा है, श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। देखिए जैसे कम से कम ये जो भावनाएं हैं ये शब्दों में विवेचित नहीं हो सकती, लेकिन माँ का जो स्वरूप है आज का जो स्वरूप है वो काफ़ी शांत स्वरूप माना जाता है। और कन्याओं का जब पूजन विभिन्न स्थानों पर चल रहा है और उसके साथ ही देखिए कल नवमी है और परसों दशहरा, तो ये जो पूरे के पूरे जो नौ दिन हैं, सहयोगी भवानीचरण ठीक कह रहे थे कि प्रतिपदा जिस दिन स्थापना हुई थी, जिस दिन जवारे जो घर पे बोए गए थे, आज वो लहला उठे। और कहने का एक बड़ा संदेश और संकेत भी है कि कहीं ना कहीं जो आस्था होती है वो जब गहरी हो जाती है, जब आप पूरे मनोभाव से आस्था को प्रकट करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ मनोकामनाएं पूरी भी करती है। जी बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आस्था और भक्ति का ही सरोकार है जो भक्तों के आज तस्वीरों के जरिए नजर भी आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को और तस्वीरों के जरिए ये भी बता रहे हैं कि आज अलग अलग जगहों पर किस तरह से तो श्रृंगार किया गया है और क्या खूबी है। एक बार फिर से राजीव का रुख करते हैं। राजीव, और क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि जोधपुर में कई ऐसे माता के स्थान हैं, कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जहां पर आज भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी और दिन भर भक्तों का जो रेला है सुबह से लेकर रात तक चलता रहेगा, कल भी फिर नवमी है तो फिर ये तो निरंतर जारी रहेगा आगे भी। देखिए, निश्चित रूप से चाहे जोधपुर के बैरानगढ़ किले की बात करें जो 550 साल पुराना है, वहाँ से लेकर के अगर जोधपुर करणी माता मंदिर की बात करें, ये पुलिस लाइन का ये जो मंदिर की बात करें, अगर जैसलमेर की बात करें, तरुट माता की बात करें, सुंदा माता की बात करें, अंबे माता की बात करें, तमाम जो मंदिर जो पश्चिमी राजस्थान की पहाड़ियों में बसे हुए हैं, सभी जगह कौमें ये तस्वीरें। एक और देखिए कि श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माँ चामुंडा की जो हैं वो यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और समझा जा सकता है कि ये जो भाव है वो माँ से जुड़ा हुआ भाव है और श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार जारी है और माँ में आस्था और विश्वास दिखे कि जो फूलों से सजावट भी विशेष रूप से की गई है, माला का जो माँ का जो बिल्कुल। राजीव, आपको रुकना चाहेंगे एक बार दौसा का भी, रुक करते हैं। हमारे साथ सहयोगी मोनू सिंह जुड़ चुके हैं। मोनू, आज मेहंदीपुर बालाजी में दौसा में भी माता के अलग अलग ऐसे मंदिर होंगे जहां पर भक्तों का रेला पहुंचना शुरू हो गया होगा सुबह से, और आज अष्टमी के दिन आप बताइए किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है वहां से। मौजूद हूं, देश के कोने कोने से भक्त हैं वो यहां बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का रेलम पेल है वो आज से यहां शुरू हो गई है। 7 दिन के लिए दशहरा लक्की मेला महोत्सव का आयोजन है वो आज यहां से शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त हैं वो बालाजी महाराज की चौकी पर मत्था टेक रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हम यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार है वहाँ पे मौजूद हैं और ये जो श्रद्धालु हैं
उनका तांता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। कल सुबह से ही मंगला आरती के साथ है जो श्रद्धालुओं की रेलम पेल है वो यहाँ शुरू हो गई थी और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो शुरू हो गया है। और पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। बिल्कुल मोनू, लौटेंगे यहाँ पर क्योंकि तस्वीरें क्लियरली नहीं आ पा रही है, फिर से लौटेंगे और रुक करेंगे एक बार कोटा का, फिर से रुक करते हैं भवन, क्योंकि आज और कल का दिन और उसके बाद में दशहरे का वो पर्व जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाएगा, तो भक्तों के लिए तो त्यौहार के सारे दिन है, त्यौहार की शुरुआत अब हो गई है, इसके बाद में शादी और शादियों के सीजन की शुरुआत से पहले नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ माने जाते हैं खरीदारी के लिहाज से भी। कोटा के अगर आप जिक्र करें तो माता के मंदिरों में उन लड़कियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी होगा जिनकी या तो शादी होने वाली है, नवविवाहित है, और क्योंकि माता की महागौरी की आराधना करती है तो फिर एक अच्छे वर की कामना भी लड़कियां करती है आज के दिन में। बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जाता है हमारे वैदिक साहित्य में और हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कि माँ भगवती जो है वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर उनकी महिमा है। जब भी असुरों को असुरों से संग्राम में ऐसा लगा कि उनकी पराजय हो जाएगी या फिर उनका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो उन्होंने माँ भगवती की ही शरण ली है। और माँ के जो 52 शक्तिपीठ हैं वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में स्थापित है। प्रधान शक्तिपीठ तो भारत में है भी नहीं, उसकी स्थापना तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे हिंगलाज माता के धाम में है। तो माँ की ही ये पूरी महिमा है और इसीलिए नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है और इन 9 दिनों में भगवती की आराधना के विशेष पुण्य मिलते हैं। आप देखिए कोटा में, मैं आपको तस्वीरें मंदिरों के दिखाने की कोशिश करूं तो भक्तगण लगातार यहां पे पहुंच रहे हैं भोग लगाने के लिए, माँ भगवती को साथ में भोग सामग्री लेकर के पहुँच रहे हैं और साथ में कन्याओं का यहाँ बाहर मंदिर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे, नवरात्रा है आज, किस तरह से मन में उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है जी, इंतजार करते हैं हम, कब नवरात्रा है कब मनाएं जी जान से उसका। तो कैसे मनाया है? ये व्रत रख के खाते हैं और बस जितना हो सकता है उतना हो सकता है। चलिए देखिए कुछ और भक्तों से मैं आपकी बात कराता हूँ। आप यहाँ पे पहुँचे हैं भोग लगाने के लिए, भोग लगा लिया? नहीं अभी लगाएंगे भोग। कितना खास होता है ये नवरात्रा और इसके 9 दिन आपके लिए? बहुत ही खास है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। चलिए तो देखिए ये दिन ऐसा होता है जब माँ का आशीर्वाद मिलता है और माँ के आशीर्वाद के लिए आज देश भर में भक्त लगातार कतारबद्ध नजर भी आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।